हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन जा रहे हैं हम वे। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा का 238वां दिन है और फिलहाल हम हैं मडगांव में। कल जहाँ हम रुके थे वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर। तो आज की वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है। बहुत बातें नहीं करते हैं तो डायरेक्ट चलते हैं लोकेशन पर। तो फिलहाल हम आ चुके हैं गोवा के मडगांव में। मडगांव के बीच पे है और यहाँ ऐसे सडनली मैं ऐसे सामने आया बिना रास्ते की वीडियो बनाए हुए। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं निकला सुबह 8:30 बजे, राइड स्टार्ट की मैंने और मैं मडगांव पहुंच गया था करीब 1 बजे। फिर मैंने थोड़ी नींद ली और फिर मैं चला आया बीच पे। और बीच पे आने के बाद कुछ स्पेशल है आज, वो मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बट यहाँ मैं आया हूँ सिद्धार्थ भैया के साथ। सिद्धार्थ भैया के बारे में आपको पता होगा, जिन्होंने मुझे वो किला घुमाया था समुद्र के बीच में, फिर और भी जगह पे घुमाने लेके गए थे। इवन एलिफेंटा घूमने हम साथ में गए थे। तो बढ़िया, एकदम मस्त कोइंसिडेंस था कि हम यहाँ आए और भैया भी यहीं थे। तो आज भैया ने होस्ट किया है। भैया जी आज हमें लेके आए हैं बीच पे और अभी अभी जो आने वाला है वो सरप्राइज़ है, वो भैया की वजह से पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सिद्धार्थ भैया, आपकी वजह से इतना एपिक एक मोमेंट बन रहा है इस ट्रैवलिंग में, इस जर्नी में। तो थैंक यू सो मच। और मस्त, बहुत सुंदर लग रहा है। पहली बार ऐसे मतलब एक साफ सुथरे बीच पे आ गए, अच्छा लग रहा है। गोवा ऐसे ही फेमस नहीं है, है गोवा में कुछ ना कुछ तो है बढ़िया। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। बहुत सही, थैंक यू, मजा आ गया। और यही वो सरप्राइज था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। अभी अभी जाके जो ऐसा लग रहा है गोवा आया हूँ। तो फिलहाल आपने देख लिया, कल मैंने बताया था कुछ सरप्राइज़ के बारे में। तो वो सरप्राइज़ यही था कि सिद्धार्थ भैया मुझे एक फ़्लाइट देने वाले थे गोवा में पैराग्लाइडिंग की। मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और ऐसा गोवा को इतने ऊपर से देखने का जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब बहुत बहुत सही लग रहा था। तो अगर आपको भी कभी गोवा आना है
तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आइए यहाँ पे पैराग्लाइडिंग ज़रूर करिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और बस आज की वीडियो बस इतनी सी रह गई। मैं वहाँ से आया, 50 किलोमीटर की राइड की मैंने, कोई वीडियोज़ नहीं बनाई, यही सब चला पूरे दिन। तो बस आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मुझे ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, नई जर्नी पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।